बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। एमटेक की पढ़ाई करने के बाद वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे समाज में एक बड़े बदलाव के लिए संघर्षरत युवा विजय प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रभारी उत्तर प्रदेश संजय सिंह सांसद से बेहतर मुलाकात के बाद समाज में लगातार बढ़ रही समस्या की दुर्दशा रोकने एवं समाज को जाति धर्म व क्षेत्र के भेदभाव से मुक्त कराते हुए विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसके बाद संबंधित पदाधिकारियों के अनुमोदन से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद कटियार जी ने उन्हें प्रभारी युवा विंग कानपुर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का नियुक्ति पत्र देते हुए अपने अधीन मजबूत संगठन खड़ा करने व पंचायत चुनाव में ईमानदार संघर्षशील व सक्रिय सदस्य को आम आदमी पार्टी से जोड़कर पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने की जिम्मेदारी दी है, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि आम आदमी पार्टी ही देश व समाज को बर्बाद करने वाली जाति धर्म व क्षेत्र के भेदभाव को समाप्त करने एवं प्रदेश को चौमुखी विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने प्रदेश वासियों से आह्वान किया कि प्रदेश के चौमुखी विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जमीनी पंचायत चुनाव में भागीदारी के लिए प्रदेश के सक्रिय ईमानदार व संघर्षशील लोग आगे आए। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और प्रदेश में ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी। मैं विजय प्रताप सिंह आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जाति धर्म ऊंच नीच के भेदभाव से दूर हट करके विकास के क्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण हम सभी के सामने है। हम सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और सरकार बनाने के उपरांत जो उन्होंने जिस प्रकार से विकास के कार्य दिल्ली के अंदर किए हैं, जिससे वहाँ की जनता ने प्रभावित हो करके लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का मौका दिया और सरकार बनने के बाद आज भी पार्टी लगातार विकास के कार्य को कर रही है, जिससे दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है। इसी सारे विकास कार्यों से प्रभावित होकर के मैं आम आदमी पार्टी के जो हमारे कानपुर जिला अध्यक्ष अरविंद कटियार जी से मुलाकात की, साथ उनके बाद हमने जो हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय संजय सिंह जी से हमने मुलाकात की, इसके उपरांत पार्टी ने हमको एक मुख्य जिम्मेदारी दी है प्रभारी यूथ विंग कानपुर नगर की और इस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हुए जो पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जिस प्रकार से पार्टी ने दिल्ली के अंदर विकास कार्यों किया है और जिस उम्मीद से आगे बढ़ रही है, उन सारी नीतियों और उनके जो सिद्धांतों को प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी पहुंचाने का पूरा कार्य करूंगा। साथ ही जो हमारे प्रदेश के जो हमारे युवा भाई बहन बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी को हम बताना चाहेंगे कि आप भी चाहते हैं कि दिल्ली की तरह हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारे विकास कार्य हो सकें जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर किए हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके आम आदमी पार्टी का साथ दें, पार्टी के साथ जुड़े ताकि पार्टी को ताकत मिल सके। साथ ही आम आदमी पार्टी आने वाले चुनावों में जिला पंचायत चुनाव जो जिला पंचायत सदस्य के जो चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर पार्टी पूरी ताकत के साथ हर सीट के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े करके लड़ रही है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जो भी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनको आप पूरी जोरदारी के साथ जिताने में उनका सहयोग करें ताकि पार्टी आने वाले जो चुनाव जो है, आने वाले चाहे वो पार्षदी के हों, चाहे विधानसभा चुनाव हों, चाहे जो भी चुनाव होते हैं, उन सभी में पूरी जोरदारी से लड़ सके और पूरा प्रयास रहे कि आने वाले 2022 के अंदर यदि आप लोगों को सहयोग पूरा मिला तो प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बने, ताकि जो जिस तरीके से पार्टी ने दिल्ली के अंदर विकास कार्य किए हैं वह सारे कार्य प्रदेश के अंदर भी कर सके और ताकि यहाँ की जनता को वह सारी सुविधाएं मिल सकें जो दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र से लेके स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में जो सुविधाएं मिल रही है वह प्रदेशवासियों को भी मिल सके, यही मेरा सबसे कहना है। तो आप सभी लोग पार्टी का पूरा उस पर जोर दीजिए और उसका साथ दीजिए ताकि हम लोग इन विकास कार्यों में यहाँ पे कर सकें। धन्यवाद। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।